हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है कि व्हाई न्यू प्रोडक्ट्स फेल। जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं मार्केट में, तो क्यों कई बार ऐसा होता है कि वो सारे प्रोडक्ट जो है वो फेल कर जाते हैं, वो मार्केट में एक तरीके से वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते जो उनके कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट हासिल कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बट उसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को यहाँ पर आकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन फिर दबा देना है, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में चाहिए, अगर आपको नोट्स चाहिए कॉमर्स की पाठशाला की तरफ से, अगर आपको 24/7 सर्विसेज चाहिए कॉमर्स की पाठशाला की तरफ से, तो आप हमारे चैनल का मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं, जिसके लिए आपको ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। आपको इग्नू एमकॉम में आना है और फिर इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल का मेंबरशिप लेना है, जिसके लिए एक बहुत ही नॉमिनल सा फी आपको पेमेंट यहाँ पे करना होता है। यहाँ पे बेनिफिट्स मैंने आपको बताई, असाइनमेंट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, बहुत ही लो कॉस्ट में 40% डिस्काउंट पे आपको हमारे एक्सक्लूसिव नोट्स मिलेंगे, जो कि एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए हैं, और आपको व्हाट्सएप सपोर्ट 24/7 मिलेगा रिगार्डिंग एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, एनी सजेशन जो भी आपके दिमाग में हो आप हमें दे सकते हैं। क्वेश्चन अगर आपके मन में होता है, आपको हेल्प की जाएगी। आपको असाइनमेंट, एडमिशंस, यू नो, एग्जाम, हर एक चीज के बारे में आपको जानकारी जो है कॉमर्स की पाठशाला की तरफ से आपको एक्सक्लूसिव जो ग्रुप है हमारा, वहां पे जोड़ करके आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। जब आप ज्वाइन कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का लिंक दिखेगा, जिसके ऊपर क्लिक करके आपको हमें व्हाट्सएप में ज्वाइन कर लेना है, जहाँ पे आपको ढेर सारी बेनिफिट्स आपको मिलेंगी। ठीक है ना? तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है व्हाई न्यू प्रोडक्ट्स फेल, नए प्रोडक्ट जो है वो फेल क्यों कर जाते हैं, है ना? तो ये क्वेश्चन जब आपके दिमाग में आएगा, तो सबसे पहले ये आएगा कि प्रोडक्ट क्या होता है। तो प्रोडक्ट वो सारी चीजें होती हैं जिससे हमारी यूटिलिटी को एक तरीके से सेटिस्फाई किया जा सकता है। तो समटाइम्स कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हमें हमारी यूटिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से सेटिस्फाई कर पाते हैं, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि एक तरीके से बेकार होते हैं, उतने अच्छे नहीं होते, हमें उतने पसंद नहीं आते हैं। तो उस केस में हम उस प्रोडक्ट को अगर नहीं लेंगे, तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट जो है फेल कर जाएगी। अब उसको फेल होने के पीछे, उसके पीछे जो है बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसको हम एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। बट इसके पहले थोड़ा सा हम लोग इसका जो पैराग्राफ है पहला, उसको कर लेते हैं। व्हाई इज द रेट ऑफ फेलियर ऑफ न्यू प्रोडक्ट इज वेरी हाई, है ना? जो नया प्रोडक्ट होता है वो फेल करने का जो रेट है वो इतना हाई क्यों है? द ऑब्वियस आंसर इज दैट द ऑफर हैज नॉट मेट विद द कंज्यूमर रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ एनी वन और मोर देन वन वेरिएबल। मैंने आपको बताया जो कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट है, जो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल है, अगर आप उसको मैच नहीं कर पा रहे हैं, आपका प्रोडक्ट अगर मैच नहीं कर पा रहा है, तो आपका प्रोडक्ट जो है आराम से जो है वो फेल कर जाएगा। दिस अराइजेस बिकॉज ईदर द कंपनी हैज नॉट रीड द कस्टमर्स माइंड, ये ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने कस्टमर के माइंड को ठीक तरीके से नहीं समझा, या फिर कस्टमर वॉन्ट्स हैव चेंज्ड इन द मीन टाइम, और द कंपनी हैज नॉट सक्सेसफुली सक्सीडेड इन ट्रांसलेटिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स इनटू इट्स ऑफर, है ना? तो ऐसा हो सकता है कि कंपनी जो है वो कस्टमर के दिमाग को ठीक तरीके से नहीं पढ़ पाई, या फिर जो कस्टमर जो है वो कंपनी का जो जो भी प्रोडक्ट है वो एक तरीके से ठीक तरीके से उसके डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रहा है ना, जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से कंपनी ने जो है प्रोडक्ट नहीं बनाए हैं, तो उसके कारण से जो है प्रोडक्ट जो है वो फेल कर जाते हैं। तो अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है? तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है प्रोडक्ट खुद, है ना? सो प्रोडक्ट फैक्टर्स सच एज फंक्शनैलिटी, क्वालिटी, साइज, शेप, कलर, डिजाइन, मटेरियल यूज्ड इन द प्रोडक्शन ईटीसी द प्रोडक्ट नॉट अप टू कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। मतलब आपने प्रोडक्ट को बनाने में प्रोडक्ट की जो क्वालिटी आपने रखी है, प्रोडक्ट का जो साइज है, प्रोडक्ट का जो शेप है, प्रोडक्ट का जो कलर है, प्रोडक्ट का जो डिजाइन है, ये सारी की सारी चीजें जो आपने इस्तेमाल करी है, मटेरियल्स का जो आपने इस्तेमाल किया, वो एक तरीके से कस्टमर के रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं करता, वो कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करता, तो आपका प्रोडक्ट जो है फेल हो जाएगा। दूसरा है पैकेजिंग। पैकेजिंग का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है, गंदी है, तो लोग हो सकता है आपके प्रोडक्ट को ना खरीदें, राइट? उस पे अगर डिटेल्स आपने ठीक तरीके से नहीं लिखे हैं कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, कब इसका एक्सपायरी डेट है, इसका बैच नंबर क्या है, ये सारी चीजें भी अगर आप मेंशन नहीं करते हैं, तो हो सकता है लोग आपके प्रोडक्ट को ना खरीदे और आपका प्रोडक्ट फेल कर जाए, राइट? सो फंक्शनल क्वालिटी, द मटेरियल यूज्ड इन द पैकेज, साइज, शेप, कलर, डिजाइन, इंस्ट्रक्शन ऑन द पैकेज इंक्लूडिंग द लैंग्वेजेस यूज्ड, किस लैंग्वेज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, डिस्पोजेबिलिटी और रीयूजेबिलिटी ऑफ द पैकेज, है ना? पैकेज को आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो कि नहीं कर सकते, उसको ठीक तरीके से डिस्पोज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इस
तरह की चीजें जो है लोगों के दिमाग में आती है जब वो किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं। कंपैटिबिलिटी ऑफ विद द प्रोडक्ट, जो आपने प्रोडक्ट का पैकेज बनाया है वो कितना कंपैटिबल है। यू नो अब सपोज एक आईफोन का जो आईफोन आईफोन 12 प्रो अगर आपने देखा होगा ठीक तरीके से, तो उसका जो फोन है वो तो है बिल्कुल पतला सा है ना, बड़ा सा फोन है, लेकिन उसका पैकेज जो है पैकेज बहुत ही छोटा है क्योंकि उसके अंदर चार्जर ही नहीं है ना, तो पैकेज बहुत ही छोटा कर दिया गया है। तो पैकेज एक तरीके से फिट होना चाहिए, पैकेज का जो यू नो रीयूजेबिलिटी है वो होनी चाहिए, कंपेटेबिलिटी होनी चाहिए, एस्थेटिक अपील करना चाहिए, वो कस्टमर को देख करके ऐसा लगे कि नहीं भाई ये प्रोडक्ट बहुत ही मस्त है ना। ईज ऑफ ओपनिंग, उसको आप ठीक तरीके से खोल पाओ, ठीक तरीके से आप उसको बंद कर पाओ, ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि पैकेजिंग के केस में आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, और ये सारे भी वो फैक्टर्स हैं जिसके कारण से प्रोडक्ट जो है वो फेल कर जाता है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है लेबल, द साइज कलर लैंग्वेज यूज शेप एंड मटेरियल इन्फ्लुएंस कस्टमर्स प्रेफरेंस। तो जो लेबल होता है ना उसमें लेबल में साइज आ जाएगा, कलर आ जाएगा, लैंग्वेजेस आ जाएंगी, ये वो सारी चीजें होती हैं जो कि एक तरीके से कस्टमर के प्रेफरेंस को एक तरीके से क्या बोलो बोलूँ इम्पैक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है। सपोज कि कोई बंदा है जिसे कि यू नो ऑरेंज कलर पसंद है और उसका फेवरेट प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग है वो भी ऑरेंज कलर में है, तो वो पक्का वो जाके खरीद लेगा क्योंकि उसका जो कलर है वो उसको मिल रहा है। आपने भी कई बार जब शॉपिंग करते हैं तो आप देखते हैं ना कि मुझे ये कलर चाहिए वो कलर चाहिए, तो जैसे ही आपकी प्रेफरेंस को वो मैच कर रहा है आप उसको खरीद ले रहे हो। सो लेबलिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द यू नो रीजन, कोर रीजन जिसके कारण से प्रोडक्ट जो है वो फेल कर जाते हैं। ब्रांड, ब्रांडिंग डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी ब्रांडिंग ठीक तरीके की नहीं है, ब्रांड अगर छोटा है आपका तो भी लोग कम खरीदेंगे, है ना। ब्रांड नेम, ब्रांड लोगो आर अलोंग विद द ट्रेडमार्क मेजर कंसीडरेशंस इन परचेज डिसीजन। तो परचेज डिसीजन में हमेशा यू नो जो ब्रांड का नेम होता है, जो ब्रांड का लोगो होता है, जो ट्रेडमार्क होता है, इन सब चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट एक महत्व रहता है। अगर ये सारी चीजें ठीक तरीके से नहीं होंगी प्रोडक्ट के ऊपर तो हो सकता है लोग उस प्रोडक्ट को ना खरीदे, है ना, और प्रोडक्ट फेल कर जाए। नाउ सर्विस, सर्विस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री सेल आफ्टर सेल दोनों चीजों में ही सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो लोग जो है दोबारा आएंगे, दोबारा आपके पास से सामान खरीदेंगे, लेकिन अगर आप गंदी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे लोग दोबारा आपके पास नहीं आएंगे, राइट। सो प्री सेल, पॉइंट ऑफ सेल एंड आफ्टर सेल सर्विसेज प्ले अ मेजर रोल इन द परचेज, पर्टिकुलरली ऑफ हाई यूनिट वैल्यूएबल ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल इक्विपमेंट, है ना। तो जो कैपिटल इक्विपमेंट होते हैं, कंज्यूमर गुड्स होते हैं, उस केस में यू नो प्री सेल, पॉइंट ऑफ सेल एंड आफ्टर सेल, ये तीनों के तीनों टाइम पे आपको सेल की सर्विसेज जो है वो आपको ठीक देनी पड़ेंगी, अच्छी देनी पड़ेंगी, ताकि कस्टमर जो है आपकी सर्विसेज के साथ सेटिस्फाई हो सके। बिफोर बाइंग अ प्रोडक्ट द कंज्यूमर्स वांट टू बी एजुकेटेड अबाउट इट, है ना। किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के पहले कस्टमर जो है वो चाहता है कि उस प्रोडक्ट के बारे में उसके पास पूरी जानकारी हो, है ना, और इसके कारण से ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप कंज्यूमर तक जो भी उसकी जानकारी है, जो भी उनको यू नो चीजें चाहिए वो आप उनको अच्छे तरीके से बताओ। दे ऑल्सो डिजायर दैट सेलर शुड इंस्टॉल द प्रोडक्ट एंड ट्रेन देम टू मेंटेन इट, है ना। वो अब जो कस्टमर होता है, सपोज आपने कुछ ऐसा चीज, कोई ऐसा मशीन घर पे लगाया जो कि आपको चलाना नहीं आता, है ना, तो प्री सेल में तो सबसे पहले जो कस्टमर होगा, जो जो सेलर होगा, वो तो सबसे पहले आपको सिखाएगा कि भाई देखो ऐसे ऐसे होता है, दूसरा वो आपके घर पे इंस्टॉल भी करके जाएगा और आपको ट्रेन भी करके जाएगा कि भाई इसको इस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो इस तरह की सर्विसेज अगर आप कस्टमर एज ए यू नो सेलर अगर आप कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं तो वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट से ज्यादा सेटिस्फाई होगा। भले ही आपका प्रोडक्ट थोड़ा 19-20 क्यों ना हो, लेकिन आपकी सर्विसेज से वो ज्यादा सेटिस्फाई हो जाएगा, हो सकता है वो दोबारा ही आपके पास जाकर के सामान को खरीदे, है ना। फाइनली दे वांट टू क्वालिटी, दे वांट क्वालिटी आफ्टर सेल सर्विसेज एट रीजनेबल कॉस्ट एट अ टाइम एंड प्लेस कन्वीनियंट टू देम फॉर अ रीजनेबल लेंथ ऑफ टाइम। इसके अलावा वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अच्छी सेल सर्विसेज उनको मिले आफ्टर सेल, जब भी आप सेल कर देते हो सामान खराब हो जाता है, तो उनको अच्छी सर्विसेज जो है मिले, उनको अपने जो मनचाहे पसंद जो भी जगह है वहां पे मिले, मनचाहे टाइम पे मिले, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो कि सर्विसेज का हिस्सा है और ये आपको प्रोवाइड करना नए प्रोडक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा, राइट। अगला पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन, so selection of inappropriate channels and outlets, lack of motivation among distributors, inconvenient location of distributors and poor service quality of distributors are some of the problems associated with the failure of the product, है ना। तो नया product कई बार इसलिए भी fail कर जाता है क्योंकि आपने distribution का जो channel चुना था वो सही नहीं था, आपने जो outlet चुना वो सही नहीं था, तो जो आपने distribution partner चुना
वो एक तरीके से सही तरीके से उसने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, लोगों तक सही तरीके से पहुंचाया नहीं। जिस लोकेशन पे आपने डिस्ट्रीब्यूट करने की सोचा वो लोकेशन अच्छी नहीं थी, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन में ये सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि एक तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपकी सर्विसेज कैसी हैं। आपकी सर्विसेज इसी से वो लोग जो है जज करेंगे। अगर आपकी सर्विसेज अच्छी होंगी तो लोग आपके पास दोबारा आएंगे और आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, ठीक है ना। अदरवाइज आपका प्रोडक्ट क्या होगा, फेल कर जाएगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट है प्राइसिंग। सो प्रोडक्ट क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप नॉट बीइंग ऑप्टिमल, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फॉर हाई यूनिट वैल्यू आइटम्स, लैक ऑफ इंसेंटिव सच एज प्राइस डिस्काउंट एंड फ्रीक्वेंट प्राइसेस रिविजंस कॉज्ड प्रोडक्ट फेलियर, है ना। तो जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग, अगर आपने सपोज बहुत ज्यादा प्राइसिंग उसकी रख दी, या आपने अगर रख भी दी, हो सकता है कि प्राइसिंग भाई ज्यादा ही होनी चाहिए क्योंकि उसका प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा हाई है। तो उस केस में आप अगर उनको अगर ईएमआई का ऑप्शन नहीं देते हैं, क्रेडिट का ऑप्शन नहीं देते हैं, है ना, डिस्काउंट या फिर इंसेंटिव का ऑप्शन नहीं देते हैं, तो उस केस में वो लोग उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे क्योंकि उनको वहां पर कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है ना। वी इंडियंस ऑलवेज वॉन्ट सम एक्स्ट्रा, नॉट ओनली इंडियंस, मुझे लगता है सारे लोगों की ये नेचर होती है कि लोग जो है एक्स्ट्रा थोड़ा सा चाहते हैं, है ना। तो वो इशू जो है यहाँ पे आएगा कि आप अगर कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हो सकता है वो आपका प्रोडक्ट जो है वो फेल कर जाए। अगला जो दो पॉइंट है वो है प्रमोशन। प्रमोशन आपको अपने प्रोडक्ट का ठीक तरीके से करना पड़ेगा, लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा, ताकि वो आपके प्रोडक्ट के बारे में जाने और आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, राइट। तो प्रमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। So selection of inappropriate promotional tool, non-availability of effective promotional tool, है ना? आपने जो जो टूल है, प्रमोशनल टूल है, वो आपने इनअप्रोप्रिएट चुना है ना, या फिर जो आपने चुना है वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा, कम्युनिकेशन मिस्टेक्स आपसे हो रही है, पुअर लिटरेसी लेवल है, मतलब आपको मार्केट के बारे में कम जानकारी है, तो उस केस में आपको जो है प्रमोशन करने में दिक्कत होगी। और अगर प्रमोशन करने में दिक्कत होगी तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट जो है फेल वहां पे करना पक्का है, है ना। प्रॉब्लम्स इन पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन लीड टू पुअर कम्युनिकेशन विद द कस्टमर अफेक्टिंग प्रोडक्ट सेल्स। अब अगर आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं करोगे चीजों को कस्टमर के साथ, तो आपका प्रोडक्ट जो है फेल करना लाजमी है, राइट। आखिरी पॉइंट है इन्वायरमेंट। चेंज इन एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, कॉम्पिटेटिव, कल्चरल, पॉलिटिकल, ये पेस्टल, ये मैक्रो एनवायरनमेंट की बात हो रही है, तो इसमें अगर किसी भी तरह का बदलाव आता है विच कुड नॉट बी एंटिसिपेटेड इन एडवांस एंड प्रोवाइडेड फॉर, है ना, जिसको आप पहले से एंटिसिपेट नहीं कर सकते हो, तो आपका वहां पे प्रोडक्ट को फेल करना लाजमी है। सपोज आपने कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो कि सही है, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ उसमें खामियां निकाल करके उस प्रोडक्ट को ही बैन कर दिया, तो आपका प्रोडक्ट तो फेल करेगा ही, है ना। तो यहाँ पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात मैंने की, सपोज समटाइम्स टेक्नोलॉजिकल भी होती हैं, लीगल भी होती हैं, तो इन सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को फेल करने के पीछे, राइट। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, जहां पे मैंने आपको डिटेल में बताया है कि नए प्रोडक्ट जो है वो फेल क्यों करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करें, कॉमर्स की पाठशाला का जो प्लेलिस्ट है इग्नू एमकॉम, यहाँ पे जाएंगे तो आपको आईबीओ 1 से लेकर के आईबीओ 6 और एमसीओ 1 से लेकर के एमसीओ 7 तक की सारी वीडियोस मिलेंगी, और जिनको आप ऑर्डर में देख पाएंगे और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, थैंक यू।